विधानसभा चुनाव 2017 पोल हो जाने के बाद ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में बंद किया गया है। उसके बाद पार्टी ने अपने वॉलंटियरों को उनकी राखी करने के लिए बिठा दिया है। आज मानसा में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ईवीएम मशीनों की राखी करने वाले अपने वॉलंटियरों का हौसला देने के लिए पहुंचे। उन्होंने मानसा, बुढ़लाड़ा, सरदूलगढ़ तीनों हलकों के स्ट्रांग रूम चेक किए। मान ने बताया कि आम आदमी पार्टी लोकतंत्र तरीके से चुनाव लड़ी है। हमारे वॉलंटियरों ने पोस्टर लगवाए, लोगों को घर घर जाकर मिले। जो प्रोग्राम पार्टी ने उनको सौंपा उसको बड़ी तनदेही से निभाया। हमें लोगों की फीडबैक बहुत अच्छी मिल रही है। देखने में ये लग रहा है कि बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है और पंजाब फिर से पंजाब बनने जा रहा है। आम आदमी पार्टी जी है वो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी है। असी लोगों के कुंडे खड़काए ने, साडे वॉलंटियर ने पोस्टर लाए कंधा ते, जिहड़ा भी प्रोग्राम पार्टी ने दिता उन्होंने तनदेही नाल उन्होंने निभाया। तो जिस तरह का माहौल, जिस तरह लोगों की फीडबैक है, जिस तरह का रिस्पोंस है, उतों ये लगता है कि पंजाब दे विच एक बहुत वड्डी क्रांति जिहड़ी है 11 तरीक नूं उहदी शुरुआत होने वाली है। तो पंजाब जिहड़ा दोबारा पंजाब बनने दे राह ते पैण लगे। मानसा से जाट टीवी न्यूज़ के लिए मनीष शर्मा की रिपोर्ट।